हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल आराधना आयुर ब्लॉग एक इन में स्वागत करता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन आराधना आयुर क्लिनिक मन्नारकाल। दोस्तों, गर्मी का मौसम बहुत ही तेज़ी से आ चुका है। जैसे आप देख सकते हो बाहर कि 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, इधर बहुत ही गर्मी है। आप गर्मी बोलो तो उतना गर्मी चल रहा है कि पसीने, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो रही है और शाम तक 40 डिग्री तक हो रहा है। इतना टेम्परेचर अभी तक देखा है नहीं है क्योंकि बहुत सब बारिश जो है बहुत कम आई है। इस बार बहुत ही गर्मी चल रहा है। गर्मी से आप छुटकारा पाना बहुत ईजी है। अगर आप कॉमन सेंस लगा रहे हो तो आप गर्मी से छुटकारा पा सकते हो। देखो, अगर कोई भी 40 डिग्री का टेम्परेचर है बाहर, आप बाहर से आ रहे हो, अगर कोई आपको सूप दे रहा है, उस सूप में काली मिर्च भी ऐड करके आपको दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल नहीं उसका सेवन नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है कि वो गर्मी को ज़्यादा करेगा। तो आप इस गर्मी के मौसम में अब अगर गर्म चीज़ खाओगे और भी थकावट और भी रोगों का उत्पन्न हो सकता है। तो वो ये है कॉमन सेंस की जो बात की थी मैंने, तो हमारे आयुर्वेद में भी इसका वर्णन किया गया। इसी ये जो गर्मी का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, तो इसी के लिए हमारे आयुर्वेद में एक सेपरेट अध्याय, सेपरेट चैप्टर का भी वर्णन किया है, जिसको ऋतुचर्या बोलते हैं, जैसे सीजनल रेजिमेन बोलते हैं, उसको हम आयुर्वेद में ऋतुचर्या के नाम से जाना जाता है। तो उस ऋतुचर्या में हमारे आचार्य ने बताया है कि गर्मी के सीजन हो या ठंडी के सीजन हो या बारिश का मौसम हो, तो कोई भी मौसम हो, क्या क्या खाना चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से वस्त्र का धारण करना चाहिए, ये सब का वर्णन हमारे ऋतुचर्य जो अध्याय है उसमें किया गया है। तो हमारे हम जब भी इस ऋतुचर्य जो सीजनल रेजिमेन या ऋतुचर्य के विपरीत जब हम काम करते हैं, कुछ खाना खा लेते हैं, विपरीत खाते हैं, तब हमारे शरीर क्या है कि हमारे शरीर ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बहुत सारे रोग को उत्पन्न करती है, क्योंकि हम ऋतुचर्य के विपरीत काम कर रहे हैं। क्योंकि ऋतुचर्य कारक बताया गया है कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, अगर हम उसके ऑपोजिट कुछ कर रहे हैं, उस विपरीत कुछ कर रहे हैं, तो हमारे शरीर ही बहुत सारे रोगों का उत्पन्न करती है। तो आपको पता होगा कि समर सीजन जो है उधर में गर्मी ज़्यादा रहती है। इस बार की गर्मी तो बहुत सी ज़्यादा है, 40 डिग्री से भी ऊपर तक जा रही है गर्मी। तो उस गर्मी के मौसम में गर्म ज़्यादा ही होता है, तो हमारे आयुर्वेद में भी इस गर्मी को पित्त जो बोलते हैं उससे वर्णन किया है, उससे क्या है उसको डिनोट किया गया है। तो कई व्यक्ति होते हैं जो वात प्रकृति के होते हैं, पित्त प्रकृति के होते हैं और कफ प्रकृति के होते हैं जन्म से ही। तो ऐसे बहुत सारे तीनों प्रकृति जो है के लोग हमको पाए जाते हैं। तो इसमें से जो पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर कॉमन सेंस लगा रहे हो इस गर्मी के मौसम में आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो हम इस गर्मी को क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं और छुटकारा, डिहाइड्रेशन ने तो कई बीमारियों से भी हम इसका छुटकारा पा सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में गर्म ज़्यादा रहता है, तो अब इसका ऑपोजिट जो ठंडा होता है, कूलिंग होता है, उसका काम आपको करना चाहिए। तो गर्मी के मौसम में अगर आप चाय का सेवन ज़्यादा करोगे, कॉफ़ी का सेवन कर रहे हो, अल्कोहल, टबैको, तो ये सब का सेवन करोगे तो गर्मी फिर से ज़्यादा बढ़ेगी ही। तो आप इन सब चीज़ों का सेवन ना करें, ठंडे चीज़ों का सेवन करें। जैसे कि ठंडे चीज़ों का अर्थ है कि फ्रिज के में रखा हुआ चीज़ नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ जो रूम टेम्परेचर में जो पानी होता है, आप उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप डिहाइड्रेशन जो होता है उससे छुटकारा पा सकते हैं। और नारियल का जो पानी होता है उसका भी सेवन कर सकते हो, बेल का जो शरबत होता है उसका सेवन कर सकते हो, नींबू पानी का सेवन कर सकते हो, ऐसे ही बहुत सारे फ्रूट्स है, जैसे कि आप तरबूज हुआ उसका जूस बना के आप उसका भी सेवन कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और इस गर्मी से छुटकारा पा सकते हैं, नहीं तो उसको ओवरकम कर सकते हैं। और एक बात मैं बोलूँगा, इस गर्मी के मौसम में आप तली हुई चीज़ें जो भी है, नहीं तो ठीके अथी का जो चीज़ होता है, अचार होता है, नहीं तो जो आप जो डीप फ्राई करते हो ना, तली हुए ज़्यादा चीज़ों का सेवन ना करें, ताकि ये सब क्या होता है कि हमारे गर्मी को बढ़ाता है, हमारे शरीर के अंदर जो भी गर्म होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। और उसी के साथ हमारे मेंटली जो होता है ना, मनस को भी एकदम गर्म करता है, ताकि हमें ज़्यादा गुस्सा आने का चांस ज़्यादा होता है। तो उस सबको कूलिंग इफेक्ट आपको लेके आना है।
और उसी के साथ नॉन वेज का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा ना करें, क्योंकि वो भी गर्म रहता है, तो गर्मी में गर्म चीज़ जो नॉन वेज हो, चाय हो, कॉफ़ी, अल्कोहल, टोबैको, तली हुए चीज़ें, अचार का सेवन, ये सब ना करें। तो इसी के साथ, खाने के साथ ही हमारे वस्त्र धारण में भी हमको बहुत सारे चेंजेस लेके आने होंगे, जैसे कि हम लाइट क्लोथ्स हो, देखो लूज क्लोथ्स होते हैं उसका सेवन ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइट जो क्लोथ है वो ना पहने, जैसे कि जीन्स हुआ, ऐसे चीज़ों को क्या होता है गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, और तो ऐसे कलर्स होते हैं जो गर्म को अब्सॉर्ब करते हैं, तो वो सब ध्यान में रखें और उन सब चीज़ों से अब दूर ही रहे, टाइट क्लोथ्स का सेवन ना करें, और जो खान पान मैंने पहले बताया उन सब का सेवन ना करें। और उसी के साथ हमारे मेंटली आपको स्ट्रांग रहना चाहिए, उसलिए आप डीप ब्रेथ ले सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ऐसे थोड़े उपाय अब अगर सेवन कर रहे हो, आप उसका फॉलो कर रहे हो, तो आप इस गर्मी से छुटकारा पा सकते हो, और सही से आप अगर ऋतुचर्या को फॉलो कर सकते हो तो हम बहुत सारे रोगों की क्या कर सकते हैं, उसको छुटकारा पा सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने में हम सफलता पा सकते हैं। तो हम इसी के साथ हमारे जो आयुर्वेद को आगे लाने में, आयुर्वेद के प्रचलन करने में, आयुर्वेद को सब हर घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप भी अपना योगदान इसमें दे सकते हैं। आपको बस इतना करना है, हर दिन आप आयुर्वेद क्या है, एक मेडिसिन का रूप नहीं, आयुर्वेद आयुर्वेद हर जगह है, विश्व पूरा आयुर्वेद विश्व भर में है। अब एक जड़ी बूटी में आप क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद को देख सकते हो, एक एक जड़ी बूटी हो, कोई भी जड़ी बूटी हो, अब एक महीने में एक जड़ी बूटी आप लगा सकते हो, वृक्ष होना जरूरी नहीं है, पौधा भी हो सकता है, नहीं तो कोई क्रीपर प्लांट हो सकता है, कोई भी जड़ी बूटी आप लगा सकते हो, एक महीने में एक बार लगा दीजिए। हम भी आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसी के साथ आप बताइए, एक मुट्ठी आयुर्वेद, घर घर आयुर्वेद, ये है भारतीय चिकित्सा। आप अपना योगदान दीजिएगा, हम अपना काम कर रहे हैं, हम मिल के आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत कर रहा हूँ, अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक धन्यवाद।